वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आपको रेडीमेड लहंगे को अपने हिसाब से कटिंग करने का तरीका और लेंथ कैसे कम करते हैं वो पूरा तरीका बताऊंगी। तो आप देख सकते हो लहंगे को अच्छे से पहले नीचे फर्श पे बिछा दीजिए, फिर उसकी लंबाई नापिए, जितनी आपको लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच कम रखिए और ऊपर के भाग को कटिंग कर देंगे। अभी देखिए जो लहंगे में जो मेन फैब्रिक है वहाँ पर जो कलियाँ जॉइंट की हुई हैं, तो ऊपर की साइड में देखिए जितने भी डायमंड लगे हुए हैं, तो आप जहाँ जहाँ पे सिलाई आएगी वहाँ से वो डायमंड पहले निकाल दीजिए। अगर आपके टिकली वर्क हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायमंड लगा हुआ है तो उसको निकालना है। तो इस तरह से ऊपर में भी देखिए आपको किनारी किनारी से आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए पूरे डायमंड को निकाल देना है। फिर आपकी कमर के साइज़ का नाप ले लीजिए, जितनी कमर चाहिए उसमें जितने एक्स्ट्रा कपड़ा हैं उसमें हर कली में थोड़ी थोड़ी सिलाई देके उसको एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से देखिए आप चाहे तो चौक से लाइन करके फिर डायमंड निकाल दीजिए, जितनी सिलाई आएगी 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना फिर आपको डायमंड निकालना है, ताकि स्टिच करने में बहुत इजी रहे। आप देख सकते हो सारे डायमंड निकाल दिए हैं। देखिए लहंगे को उल्टा कर देंगे, आराम से आप लहंगे को उल्टा करके जो सिलाई हैं वहाँ पे देखिए हर सिलाई में आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर से लेके हल्का सा तिरछा सिलाई करके नीचे की तरफ से वापस उसी सिलाई पे मिला देंगे, जो रेडी सिलाई दी हुई है वहाँ पे जाके उसको वापस सिलाई को मिला देंगे, ऊपर से ही एक्स्ट्रा लेना है 5-6 इंच के लगभग तक एक्स्ट्रा सिलाई लेनी है, फिर आप उसी सिलाई के ऊपर वापस मिला दीजिए। इस तरह से देखिए तिरछी सिलाई लेंगे और पूरे नीचे तक आप सिलाई कर दीजिए। इस तरह से देखिए सारी सिलाइयाँ ले ली हैं। इस तरह से आप इंच टेप से वापस चेक कर दीजिए कमर के लेवल में हो गया है कि नहीं, वापस इसको सीधा कर देंगे लहंगे को और अस्तर के साथ में उसको कमर की साइड में सिलाई दे देंगे। अस्तर का भाग एक्स्ट्रा रहेगा तो आप उसमें प्लेट्स लगा सकते हो। इस तरह से हल्की सी 4-5 प्लेट्स जितनी भी आए आप उसके हिसाब से लगा कर उसको सिलाई दे देंगे। अपनी साइज़ का लहंगा बनाना बहुत ईजी है और लहंगे को पूरा मशीन के ऊपर रखिए ताकि नीचे बार बार वो वजन से नहीं जाए। इस तरह से देखिए जो ऊपर से कटिंग किया था उसका जो अस्तर का भाग निकला है उसको हल्का सा, आप चाहे तो 2 इंच का भी निकले चाहे 2.5 इंच, जितना भी अस्तर का भाग निकले उसको इस तरह से पहले स्टिच कर देंगे। आधा इंच का किनारी पर सिलाई लगा के लहंगा भी उल्टा रखेंगे और जो नेफा है वो भी उल्टा रखेंगे। इसमें देखिए ज़्यादातर लेस आती हैं जो नेफा नहीं लगता है, तो इस तरह से किनारी पे सिलाई लगा देंगे हल्की सी पट्टी करके नेफे के अकॉर्डिंग, तो आपका इजी रहेगा वापस ऊपर लेस लगाना। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग करके फिर से मोड़ देंगे। अभी देखिए आधा इंच फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे किनार पे। कपड़ा कम हो तो कम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से आप फोल्ड करके जितना भी कपड़ा हो उस तरह से किनार को ओटना है नेफे के अकॉर्डिंग।
आप देख सकते हो सिलाई लगा दी है किनार पे। एक ही सिलाई लगानी है यहाँ पे, सिंगल सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए जो लेस है उस लेस को इसके ऊपर से पहले ऊपर वाले किनार के भाग से स्टिच कर देंगे। इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा लेस होगी, उसको कटिंग कर देंगे और उसको अंदर की तरफ मोड़ के किनार पे वापस सिलाई लगा देंगे। सिलाई लॉक कर देंगे, दो बार आगे पीछे सिलाई करेंगे ताकि लॉक हो जाए। इस तरह से नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो सेम इसी तरह से किनार पे सिलाई लगाएंगे। लेस को बिल्कुल खींचना नहीं है, आराम से उसको सेट करते हुए सिलाई लगाए ताकि फिनिशिंग अच्छे से दिखे। इस तरह से देखिए धीरे से आराम से स्टिच करें। सिलाई को किनारी पे दो बार लगा दे। इस तरह से आप देख सकते हो नेफा रेडी हो गया है। अभी सेंटर की सिलाई लहंगे को उल्टा करके उसको सिलाई लगा देंगे किनारी वाले भाग में। इसमें भी देखिए डायमंड अगर ज़्यादा लगे हुए हो किनारी पे तो आप उसको निकाल के फिर स्टिच कीजिए, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरह से डिज़ाइन को मिलाते हुए आप सिलाई लगाए, नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा ना बचे तो इस तरह से आप आराम से उसको सेट करते हुए स्टिच कर दे। आप देख सकते हो लहंगा रेडी हो गया है, बहुत इजी है इस तरह से लहंगा बनाना। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।